हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाकिफ से होंगे। एक और नए सफ़र में और एक नए ब्लॉग में आप सभी का खुश आमदीद। यानी कि ये जो सफ़रनामा हमारा स्टार्ट हुआ है, 0.1 का ये सेकंड एपिसोड है, तो मैं इस एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और बने रही हमारे सफ़र में। ट्रेन जो है यहाँ लखनऊ से, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से चल चुकी है और अभी ये रेल कुर्ला की तरफ और मुंबई की तरफ, यानी कि अभी 4:10 हो गए हैं, यानी कि राइट टाइम पे बिल्कुल ट्रेन छूट गई है चारबाग रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हैं बाइक का ये नज़ारा कुछ इस तरीके से रहा रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ। तो तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ट्रेन में ही हैं और टाइम हो रहा है रात के ऑलमोस्ट 10:15, यानी 10:15-16 है। और अफ्तारी वगैरह यहीं ट्रेन में ही किए हम लोग, कानपुर से निकलने के बाद या उरई से पहले थोड़ा, और फिर खाना वगैरह भी खा लिए हैं क्योंकि जो लेके आए थे। और दूसरी चीज़ नमाज़ वगैरह भी किसी तरह इसी में हो गया है। असल में वो क्या, पूरा बर्थ जो था 6 टिकट का, तो एक में हम लोग को मिल गया था, तो बाहर से थोड़ा पर्दा वगैरह लगा दिए थे, चद्दर जो था तो काफ़ी अच्छा बन गया था। तो अल्लाह के शुक्र से नमाज़ वगैरह भी सारा अदा हो गया और अभी सोने का प्लान है और सो जाते हैं और सुबह उठते हैं शहरी में। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का वक्त, यानी मॉर्निंग के 4 बजने वाले हैं और हम लोग शहरी के लिए उठे थे। तो अभी ये एमपी के मतलब स्टेट एमपी में रानी प्रतिपाल स्टेशन से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और अभी यहाँ पे उठे हैं और फ्रेश वगैरह हुए हैं और अभी शहरी का वक्त है, तो थोड़ा शहरी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा रास्ते में। और ये जो स्टेशन आपको गुजरता हुआ दिख रहा है, इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति इस स्टेशन का नाम है जो एमपी में पड़ता है। तो इस स्टेशन से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और ट्रेन यहाँ से चल चुकी है और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, मैं आपको बता रहा हूँ, 3:39। अभी 3:40 होने वाले हैं, 4:00 हैं, उठ गए थे और फ्रेश हो गए हैं अभी और सही करते हैं और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों फाइनली भुसावल प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल चुकी है मुंबई की तरफ और सुबह 9:10 की टाइमिंग थी भुसावल पहुंचने के लिए, बिल्कुल राइट टाइम पे ट्रेन चल रही है। तो अभी हम लोग भुसावल से आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, एंटर हो गए हैं, नासिक स्टेशन पड़ा था, नासिक से अभी हम लोग पहुँच गए हैं इगतपुरी स्टेशन पर। और ये इगतपुरी स्टेशन के बाहर का ग्राउंड है, पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं इगतपुरी स्टेशन, और यहाँ से आपको पीछे पहाड़ों का कुछ नज़ारा भी देखने को मिलेगा, आप देखें। और दूसरी चीज़ टाइम हो रहा है, वॉच तो मैंने वही अपने सीट पे छोड़ाया, तो टाइम ऑलमोस्ट हो रहा होगा, आई थिंक 1:30 बज रहे होंगे, मैंने अभी देखा नहीं, थोड़ी देर पहले देखा था कुछ देर, तो शायद से भी होगा। और यहाँ से अभी चल रहे हैं, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं बचा है, अगर 1:30 बज रहे होंगे तो 2.5 घंटे का रास्ता और बचा है मुंबई पहुंचने के लिए। और अभी यहां से निकल रहे हैं। तो उसको ये है इगतपुरी स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, सामने आपको पहाड़ देखने को भी मिलेगा, ये देखिए। और ये है इगतपुरी स्टेशन का बोर्ड। For living creatures, oh Allah, Lord of East and the Lord of East. तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अभी हम लोग
तिलक नगर यानी कि कुर्ला, तो तिलक नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं यानी कि LTT पे। और ये पूरा बर्थ था हम लोग का, ये तीन सीट इधर का, ये साइड एक दो और ये कि तीन, और तीन इधर का, यानी कि 65 से लेके और 70 तक का, यानी 6 सीट पूरा बर्थ था। यहाँ पे हम लोग ने एक चद्दर लगा दिया था और यहाँ पे अच्छे से सब लोग फैमिली थी तो थोड़ा सेपरेट हो गया था, बहुत अच्छे से इंतज़ाम हो गया था माशाल्लाह। और अभी सारा सामान हमने उठा के बाहर रखवा दिया है और यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं कोई टैक्सी या फिर कोई ऑटो वगैरह से निकलते हैं जोगेश्वरी के लिए। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये थी, इस ट्रेन की टाइमिंग जो थी यहाँ पहुँचने के लिए, ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो थी 4:10 पे यहाँ पहुँचना था, बट लेट हो गया 5:40-45 पे यहाँ, समझिए छुड़ी है बिक्रोली और घाटकोपर के बीच में खड़ी कर दी थी ट्रेन, 1 घंटे पूरे खड़ी थी, उसके पहले कल्याण में थोड़ा रोक दिए। तो अभी पहुँच गए, सामान वहाँ पर सब रखवा दिए हैं, आप देख लीजिए ये वहाँ पर सारा सामान बाहर करवा दिए हैं और अभी फिर यहाँ से चल रहे हैं और लगेज लेके बाहर चलते हैं कोई कुली वगैरह करके, और फिर हाँ रिक्शे से या फिर कोई टैक्सी कैब वगैरह बुक करा के और फिर चलते हैं जोगेश्वरी। तो दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही आराम से पहुंच गए, बस थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट हुआ है बस। दोस्तों अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के और स्टेशन से और निकल रहे हैं जोगेश्वरी के लिए। एक्चुअली ट्रेन थोड़ा लेट छोड़ी, काफ़ी देर हो गया था, 4:15 की टाइमिंग थी, बट वो टाइम से आ नहीं पाई और लेट हो गया। अभी बिक्रोली और घाटकोपर के बीच में उसने हल्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा, 1.5 घंटा कम से कम। तो अभी यहाँ से निकले हैं और टाइम भी हो रहा है, बिल्कुल अजान का वक्त हो रहा है दोस्तों, इस तारीख का वक्त है, तो अभी इस तारीख करते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे पहुँच के। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है कि जोगेश्वरी गुलशन नगर यानी अपने घर पे यहाँ पहुँच गए, बिल्डिंग में आगे भी बाहर यहाँ गैलरी में खड़े होकर वीडियो को यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों वाइंड अप। फिर मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला, और दुआओं में मुझे याद रखना आप अपने खुशी। और अभी ईशा का वक्त हो गया, थोड़ा लेट हो गया आने में, जबकि वक्त था कि 4 बजे पहुँच जाएँगे कुर्ला, लेकिन हो नहीं पाया। और अभी ये देखिए ईशा की अजान होनी शुरू हो गई है और चलते हैं देखते हैं थोड़ा बहुत, और फिर मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त है खुसूसी तौर पर।